तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फिर आज आपको वीडियो का थंबनेल देख के पता ही लग गया होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे पास 212 वोल्ट की एलईडी है जो कि मैं स्पीकर में लगाने वाला हूँ। आपके पास कोई सा भी स्पीकर हो, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, किसी भी कोई भी टाइप का स्पीकर हो, आप उनमें एलईडी लगा सकते हैं जो कि म्यूजिक के बीट के हिसाब से वर्क करता है। तो आपने म्यूजिक सिस्टम में देखा ही होगा कि जैसे कि जब म्यूजिक चलता है तो उसके हिसाब से वो एलईडी ग्लो करती हैं, जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग लगती हैं। तो फिर अगर आपको ऐसा ही बनाना है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको ये एलईडी को स्पीकर में लगा के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फिर आपको सबसे पहले करना क्या है कि जैसे कि आपके पास किसी भी टाइप का स्पीकर हो जिसके आगे फ्रेम लगा हुआ होता है, आपको पहले उसे ओपन कर लेना है। क्या जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास 10 इंच का स्पीकर है और इसके आगे जो दोनों फ्रेम लगे हैं ब्लैक में, इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ इसमें एलईडी कैसे लगानी है। तो इन फ्रेम को खोलने के बाद सिंपली करना क्या है, जो ये दोनों फ्रेम है इसके सेंटर में जो ये 12 वोल्ट की एलईडी है, इसमें सेंटर में बिल्कुल कर देना है, एक ब्लू वाला इस साइड कर देना है, रेड वाला एक इसके सेंटर में इसको जोड़ देना है। चलो मैं इसको जोड़ के दिखाता हूँ आपको। फिर आपको एलईडी को कुछ इस प्रकार से इसमें चिपका लेना है। देख सकते हैं मैंने सेलो टेप से चिपकाया है, आप इसकी जगह पे डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बस आपके दिखाने के लिए ऐसे किया है, आप डबल टेप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको क्या, इसके करने के बाद हमें करना क्या है, ये जो स्पीकर्स है इनको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको इनको ओपन करके दिखाता हूँ। तो फिर आपको स्पीकर ओपन करने के बाद करना क्या है, जैसे कि स्पीकर के पीछे देख सकते हैं दो वायर होते हैं जो प्लस और माइनस के होते हैं स्पीकर के, और जो हमने ये एलईडी इस फ्रेम में फिट किया है इसके दोनों वायर को इसी के साथ कनेक्ट कर देना है। ज़्यादा कनेक्शन इसका मुश्किल नहीं है, बस दोनों जो प्लस और माइनस वाली वायर है एलईडी की, ये स्पीकर के जो ये पिन देख सकते हैं आप, यहाँ पर जहाँ स्पीकर का वायर लगा हुआ था आपको वहीं पर इन दोनों पिन को कनेक्ट कर देना है। तो फिर मैं चलिए इनको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। हमने स्पीकर्स के वायर के साथ ये एलईडी के वायर को कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एलईडी के वायर स्पीकर्स के नीचे से निकाल लिया है, और आपको इसी तरह इसी को ऐसे बंद करके लॉक कर देना है। फिर इसी तरह मैं आपको दूसरे स्पीकर के साथ करके दिखाता हूँ। तो फिर मैंने ये दूसरे वाले स्पीकर के साथ ये जो एलईडी की वायर कनेक्ट कर दी है, या देख सकते हैं ये जो एलईडी के दोनों वायर है डायरेक्ट मैंने उठा के स्पीकर के पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया है। तो इसी प्रकार सिंपल आपको कनेक्शन कर लेना है। फिर तो फाइनली इसका सभी कनेक्शन हो चुका है। तो हमने ये जो वायर है स्पीकर के नीचे से करके यहाँ पर इस एलईडी की वायर जो कनेक्ट कर दी है, और इसका सिंपल सा कनेक्शन है। तो चलिए मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है और इसका लुक देखना कितना अच्छा है, कमेंट डाउन करके जरूर बताना। और मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस 12 इंच वाले स्पीकर में ले आऊँगा, इसमें एलईडी लगा के दिखाऊंगा और इसका फ्रेम भी लगा के दिखाऊंगा मैं आपको इसके आगे जो एलईडी कैसी लगती है।